नमस्कार दोस्तों, मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भयंकर विनाशकारी चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर आ रही है। चक्रवाती रेमल तूफान भारत में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंट्री कर गया है और एंट्री करते ही दोस्तों पेड़ पौधे टूट गए हैं। लगभग बंगाल में 15,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बिजली भी गुल हो गई है। तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मौसम से जुड़ी हर अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहे। जी हां साथियों, बता दें पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल से 24 ब्लॉक और 80 नगरपालिका वार्ड में करीब 15,000 घर प्रभावित हो गए हैं, जिनमें अधिकतर दक्षिणी तटीय इलाकों में हैं। अधिकारियों ने दोस्तों ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 2,140 पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के 337 खंभे भी गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार कम से कम 14,941 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें से 13,938 आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं जबकि 1,003 पूरी तरह ढह गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रशासन ने 2,07,060 लोगों को 1,438 सुरक्षित आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात से संबंधित घटनाओं में कम 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने कहा है कि मध्य कोलकाता के अंटोली के बिबीर बागान इलाके में दोस्तों लगातार बारिश के कारण दीवार गिरने से यहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।